नमस्कार दोस्तों, राकेश रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके साथ खाजे की रेसिपी कई बार शेयर की है, आप लोगों को बहुत पसंद आया और कई लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई भी किया है। वैसे तो कई तीज त्योहार में हमारे यहाँ खाजा तो जरूर बनती है, लेकिन गर्मियों में आम रस के साथ खाजा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आज का जो खाजा है वो मेरी बुआ बनाएगी, तो देखिए इन्होंने जो खाजा बनाया है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, बहुत ज्यादा फ्लेकी और एकदम क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उनके हाथ की खाजा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो आज की जो खाजा है वो 2 किलो मैदे से बनाने वाले हैं। तो एक परात में इन्होंने 2 किलो मैदा ले लिया है और अच्छे से उसे स्प्रेड कर देगी और इसमें सबसे पहले हम मोयन डालेंगे। तो ये 2 किलो मैदा आटा है, इसीलिए यहाँ पर 2 कप तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मोयन एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो ही खाजे एकदम क्रिस्पी बनेगी। और मोयन के लिए आप रिफाइंड ऑयल लें जिसमें स्मेल बिल्कुल ना हो, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मोयन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालें और आटे को गूंथ लें। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह गूंदना है। आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं चाहिए। ये देखिए आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब गूंदते हुए आटे को 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 किलो आटे से खाजे बन रहे हैं। अगर आपको 1/2 किलो या 1 किलो आटे से ये बनाने हैं, सारे मेजरमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लें। ये देखिए आटे को अच्छे से मसला गया है। अब इसे सॉफ्ट और चिकना बनाने के लिए थोड़ा सा तेल और डालें और इसे 2 से 3 मिनट और मसल लें। आटा एकदम चिकना हो चुका है। अब इसके हम 2 भाग करेंगे। एक भाग रहेगा 60% और एक और भाग रहेगा 40%। यानी 60% वाला जो आटा है वो हम ढककर बाद में यूज़ करेंगे और जो 40% वाला आटा है उसे साटा तैयार करेंगे। तो साटा तैयार करने के लिए जो 40% डो है उसमें से लोहे तोड़ लें। लोहे आप चाहे बड़े थोड़े या छोटे थोड़े, लोहे को अच्छे से रोल कर ले और उसकी पूरी बेल ले। तो पूरी बेलने के लिए आप चाहे बड़ी पूरी करें या छोटी करें, थोड़ी मोटी रखें। बेलने के बाद इस पूरी को बीच में से इस तरह छेद दे दे। इस तरह करने से क्या होगा, जब आप पूरी को घी में फ्राई करोगे ना, तो क्योंकि पूरी काफ़ी मोटी है अंदर तक ये घी जाएगा और पूरी अच्छे से फ्राई होगी। तो घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और इस पूरी को इसमें डाल दे। फ्लेम को मीडियम रखें और इस पूरी को कच्चा पक्का फ्राई करें। इसे पलटा पलटा कर फ्राई करें। ये देखिए पूरी अपने आप ही ऊपर आ चुका है और ऊपर से ये सफ़ेद दिख रहा है, यानी ये कच्चा पक्का फ्राई हो चुका है। अगर नीचे से ये कच्चा है, थोड़ा इसे पलटा के और फ्राई करें। अब ये कच्चा पक्का फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल दें। इसी तरह आप बाकी लोहे का भी पूरी बेलें, बीच में से इस तरह होल करें और इस कढ़ाई में कच्चा पक्का उसे फ्राई करें। फ्राई करने के बाद सारे कच्चे पके पूरी को एक बड़ी थाली में कलेक्ट कर दें और इसे ठंडा करके, तो ये फटाफट से ठंडा हो इसीलिए हम इसे कट करेंगे, यानी इसे छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, या तो नाइफ ले या पिज़्ज़ा कटर ले, इस तरह इसे कट करें तो ये फटाफट से ठंडे भी हो जाएगी और पीसेस भी काफ़ी छोटे हो जाएंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सर ले, मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दें और इसे ग्राइंड कर दें, यानी हमें इसे एकदम फाइन पाउडर चाहिए। इस तरह सारे मिक्सचर को ग्राइंड किया गया है और एक परात में कलेक्ट। अब इस मिक्सचर का सॉफ्ट साटा तैयार करेंगे। उसके लिए 1/2 कप घी का मोयन और डाल दें और लगभग 1/2 कप पानी और डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और एकदम सॉफ्ट साटा तैयार करें। जैसे आप साटा तैयार करते हो इसमें कोई कनी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ग्राइंड करते समय खास ध्यान दें कि एकदम पाउडर फॉर्म होनी चाहिए। और जैसे साटा तैयार करते हो इसलिए अच्छे से मसल लें, जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से पानी डालें और एकदम सॉफ्ट स्मूथ साटा तैयार करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं रेसिपी वीडियोस पोस्ट करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मेरी रेसिपीज ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये हमारा साटा तैयार हो चुका है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और जो हमने पहले आटा भिगो के रखा है उसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब एक हिस्से आटे का और एक हिस्सा साटे का हम साइड में रख देंगे और एक और आटा और साटे को हम अब लेयरिंग करेंगे। तो पहले जो आटा है उसके 7 लोए बना ले, इसी तरह साटे का भी 7 लोया बना ले।
ये देखे इस तरह 7 आटे के लोए और 7 साटे के लोए तैयार हो चुके हैं। अब एक एक आटे के लोया ले और उसे बेल ले। तो यहाँ पर पूरी जितनी बड़ी हो सके उसके हिसाब से बेल ले और इसे एक थाली में अरेंज कर दे। इसके ऊपर साटे के लोए रख दे और उसे स्प्रेड कर दे। इसी तरह फिर से आप आटे का लोया ले, उसे बेले और इसके ऊपर अरेंज कर दे। फिर से साटे का लोया ले और आटे की पूरी के ऊपर स्प्रेड कर दे। इस तरह आपको एक आटे की पूरी बनानी है और उसके ऊपर साटा स्प्रेड करना है। फिर से आटे की पूरी रख दे उसके ऊपर और फिर आटे की पूरी स्प्रेड कर दे। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे और अच्छे से एक बड़ा सा डो तैयार कर देंगे। इस तरह 1 किलो आटा तैयार हो चुका है और जो पहले हम एक साटा और आटा बचा के रखे थे उसे भी इसी तरह बेले और एक डो तैयार कर दे। अब ये पूरा डो है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप ले और इसे थाली में निकाले, हल्के हाथ से थोड़ा मसले और छोटे छोटे लोए निकाल दे। अगर आपको खाचे बड़े बनाने हैं तो बड़े लोए ले और छोटे बनाने हो तो छोटे ले। अब एक एक लोया ले, हल्के से रोल करे और जिस तरह हम बॉटल को ढक्कन लगाते हैं उस तरह इसे पेस्ट दे। इस तरह करने से खाचे में अच्छे से फ्लेकीनेस आ जाएगा और प्रेस करते हुए हल्के से फ्लैट करें। एक साथ तलने के लिए जितनी कढ़ाई में समय उतनी ही लुए तैयार कर दे। ये मेरे लुए तैयार हो चुके हैं। अब एक एक लुआ लेंगे थाली में, या तो आप पटले के ऊपर इसे हल्के से प्रेस कर दे और बीच में इस तरह होल्ड करें। सीधा इसे कढ़ाई में छोड़ दे, क्योंकि मेरी कढ़ाई बड़ी है इसमें एक साथ 15 से 20 खाजे तल सकते हैं। इसे हल्के हाथ से पलटाए और स्लो फ्लेम पर इसे होने दे। जब तक ये स्लो फ्लेम पर होते हैं साइड में आप और लोए तैयार कर दे। एक हां खाजा बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट और उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। जितना स्लो फ्लेम पर होगा उतनी ही खाजा क्रिस्पी और फ्लेकी बनेगी। एक साइड खाजे को तला जा रहा है और बीच बीच में अगली घंट के लिए लोए तैयार। तलने के बाद खाजे को एक चन्नी में निकाले जाएगा। इसके लिए चन्नी को पहले से ही मैंने तैयार करके रख दिया है। आप यहाँ पर देखिए खाजा एकदम अच्छे से तल चुके हैं। इसे दो चन्नी से इस तरह निकाले और डायरेक्ट चन्नी के ऊपर ट्रांसफर कर दें। इस तरह आप रखें और सारा एक्स्ट्रा की खाजा में से निकल जाएगा और नीचे थाल में कलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप सारे खाजे को बना लें। खाजा बनने के बाद इसे चन्नी में निकाले और चन्नी के नीचे एक परात रखें और इस तरह कम से कम एक दिन इसे रहने दें। आप अगले दिन देख पाओगे तो जितना भी एक्स्ट्रा घी है नीचे परात में कलेक्ट हो जाएगा। और भी आपको घी कम करना हो तो आप इस चन्नी को थोड़ा धूप में रख दें, जो घी खाजे के अंदर जमा हो वो मेल्ट होके नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे सारे खाजे तैयार हो चुके हैं। तो देखा ना दोस्तों, आज मेरी बुआ ने बहुत ही अच्छे खाजे बनाए हैं। ये समर सीजन में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए और इस खाजे को आम के रस के साथ खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज।